अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका फूड विद आर्ट चैनल में। आज मैं आपको सिर्फ दो आलू से बनने वाले इंस्टेंट स्नैक की रेसिपी बताऊंगी और ये घर में ही मौजूद चंद अज्जा से आप बना लेंगे, फटाफट से बना लेंगे। इसको बनाने में भी ज़्यादा ना देर लगेगी और ना ही ज़्यादा हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, और इसके साथ ही रिक्वेस्ट करेंगे अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। चले आइए, वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पॉट में ले लिए हैं दो आलू, और ये आलू मैंने उबाल लिए थे, इनको मैंने अच्छी तरह ठंडा कर लिया है, पानी से नहीं किया, ये थोड़ी देर के लिए मैंने खुला छोड़ दिया था इनको। ये अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं, इनको मैं अच्छी तरह मैश कर रही हूँ, बिल्कुल भी इनमें लम्स या गुठली कोई नहीं रहनी चाहिए। और ये 3 बड़े खाने के चम्मच इसमें मैंने ऐड किया है कॉर्नफ्लावर, 1 छोटा चम्मच इसमें मैंने डाला है कुटी मिर्चें, और ये आधा छोटा चम्मच है नमक, और इसके साथ ही मैंने धनिया ऐड किया है। और मैं एक ब्रेड का स्लाइस ले रही हूँ, ब्रेड का स्लाइस मैं चारों साइडों से इसके कॉर्नर कट कर लूँगी और इसको छोटे पीसेस में करके तो मैं पानी में डिप कर रही हूँ। एक एक पीस को मैं पानी में डिप करके इसको अच्छी तरह निचोड़ लूँगी, और निचोड़ने के बाद मैं इसी आलू के बैटर के बीच में डाल दूँगी। ब्रेड का स्लाइस मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाए। अगर आप चाहें और अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो कॉर्नफ्लावर का 1 चम्मच मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने ब्रेड भी ऐड कर दिया, अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तमाम अज्जा को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, हाथों की मदद से मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है इसकी, और इसके बाद मैं इसे पॉलीथिन बैग में सेट कर लूँगी। सेट करने के लिए मैंने पॉलीथिन बैग में इसे रखा है, आपके पास पॉलीथिन ये वाला बैग नहीं है तो कोई सा भी आप शॉपर ले सकते हैं जिसमें आप अच्छे से इसको सेट कर लें। आपने अच्छे से इसको फ्लैट करना है ताकि इसके कॉर्नर्स भी अच्छी तरह प्रेस हो जाएं, और जब हम इसकी कटिंग करें तो ये इक्वल साइज में कटिंग हो सकें। ये देखिए अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट के लिए, और अच्छे से इसकी शेप आ चुकी है और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। जैसे मिनी साइज का समोसा होता है हमने वैसे इसकी शेप कटिंग करनी है। आप अगर चाहें तो फ्राइज की शेप भी इसमें कटिंग कर सकते हैं, जैसा आप चाहें इसकी शेप बना सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी देर के लिए इसे फ्रिज में या फ्रीजर में ज़रूर रख दीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम ना रखिएगा कि ये बिल्कुल ही फ्रीज हो जाए, फिर उसमें बर्फ़ और पानी जमने का ज़्यादा डर हो जाता है। ये देखिए हमने अच्छी तरह इसकी कटिंग कर ली है, अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। फ्राई हम इसे मीडियम फ्लेम पे करेंगे, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम नहीं रखनी है आपने। एक साइड इसकी गोल्डन हो जाएगी, पक जाएगी, तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये स्नैक हमारे टूटे नहीं हैं, इनमें से बैटर बाहर नहीं निकला, बहुत अच्छे से कुक भी हो रहे हैं और बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर इन पे आना स्टार्ट हो गया है। आपने भी मिक्सिंग इसकी और क्वांटिटी इनके अज्जा की इतनी ही रखनी है ताकि आपसे भी ये इतने ही अच्छे और मज़ेदार और क्रिस्पी बन सकें। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्द बहुत कम अज्जा से बन जाने वाली इंग्रेडिएंट्स रेसिपी है, आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बताया करें। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें इनक्रेज करते हैं ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियोस और अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए बनाते रहें। यहाँ पे हमारे स्नैक्स दोनों तरफ से कुक हो चुके हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है, बहुत अच्छे से इनका जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल रहे हैं और एक दफ़ा दूसरी पैन में मैंने डाले हैं ताकि सारे जो हैं एक ही बार मैं कुक कर लूँ।
आपके पास अगर पैन छोटा है तो आप कम या ज्यादा भी उसमें डाल के फ्राई कर सकते हैं, जितना इजीली आप बना सकें एक दफा में। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत मजे की और बहुत ही जबरदस्त इनका टेस्ट था, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अमेजिंग सी एक रेसिपी के साथ, वो भी इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी। जब तक लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना रखिएगा ख्याल और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।